सिक्योरिटी रीजंस, जितने भी अनरजिस्टर्ड यात्री जो ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट RFID, जो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर रहे हैं एज टूरिस्ट, उनको ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस यहाँ 330 नवयुगा के अक्रॉस नहीं भेजा जाएगा। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए चंद्रकोट JP गेट पे हमारा एक कट ऑफ नाका लगेगा, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन टूरिस्ट और अनरजिस्टर्ड यात्रीज आ रहे हैं, और ताकि हम उनको कंफर्टेबली यात्री निवास चंद्रकोट में लॉज कर सकें। दिस विल हैपन ऑन अ डेली बेसिस, ताकि उनकी सिक्योरिटी के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अदर देन दैट, ऑल अदर LMVs, ऑल अदर HMVs आर ओपन एंड दे कैन प्लाई टूवर्ड्स वैली। जिस तरीके से NH रोज़ खुलता है, वैसा NH ओपन है, एंड दिस एडवाइजरी इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द अनरजिस्टर्ड यात्रीज। आई रिपीट अगेन, ओनली एंड ओनली फॉर अनरजिस्टर्ड यात्रीज एंड टूरिस्ट एंड ऑल दोज यात्रीज हु आर ट्रैवलिंग एज टूरिस्ट। थैंक यू। लोकल्स जो आते हैं ना रामन या गोल ब्रिहाल के लिए, तो उनके लिए भी ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो सब जैसा नॉर्मली ट्रैवल करते हैं वैसे ट्रैवल किया, वो आगे भी करते रहेंगे ड्यूरिंग द एंटायर यात्रा। ये सिर्फ मैंने जैसे कि कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर अनरजिस्टर्ड यात्री जिनकी गाड़ियों में RFID नहीं है, जो कॉन्वॉय के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे, और ये उनके लिए है जो टूरिस्ट हैं, और ये उनके लिए हैं जो टूरिस्ट हैं जो कि बाद में यात्रा करने वाले हैं। जो मैम एक सवाल है हमारा, जो बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं, जैसे कि आज भी एक टेम्पो थोड़ा सा इंजर्ड 2-3 बंदे हुए हैं, तो वो भी रजिस्टर्ड नहीं थे वहाँ पे, तो उनको क्या जो बिना उसके आ जाएंगे उनको आप वापस भेजेंगे या उधमपुर में ठहराएंगे? देखिए, वो जो आज हाँ वो रजिस्टर्ड हैं बट वो कॉन्वॉय के साथ नहीं है। RFIDs की उनकी गाड़ियों के ऊपर RFID टैगिंग नहीं हुई है, और वो कॉन्वॉय के साथ मूव नहीं किए। और जो आज वो टेम्पो ट्रैवलर टर्टल हुआ है, पहली बात तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो टर्टल हुआ है, स्किड किया, क्योंकि थोड़ा सा बारिश हुआ, थोड़ा पानी पड़ गया, थोड़ा स्किड कर गया वो, तो इसलिए वो टर्टल हुआ। वो वही वाला टेम्पो ट्रैवलर था जिनको हमने कल यात्री निवास चंद्रकोट में लॉज किया था। मॉर्निंग में उनको छोड़ा गया था, तो वो जब तक यहाँ पहुँचे बारिश हुई, टर्टल हुआ, देवर दैट वन। और उसमें जो चार लोग इंजर हुए थे उनको माइनर इंजरीज आई थी, स्टिल देवर रेफर टू DH अनंतनाग। सो वहाँ पे उनका वो ठीक है, मैंने रिपोर्ट लिया है, वो ठीक है, माइनर इंजरी।